हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की लास्ट फिल्म अर्ली मैन के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक क्ले एनिमेशन फिल्म है और मुझे लगता है कि इस फिल्म को हर एक क्ले एनिमेशन फैंस को देखना चाहिए। और साथ ही साथ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निक पार्क ने, जिन्होंने इसके पहले काफी बेस्ट क्ले एनिमेशन फिल्में बनाई है। और उन फिल्मों में सबसे पहला नाम आता है चिकन रन का, और फिर आएगा नाम शॉन द शेफ टीवी सीरीज और वॉलेस एंड ग्रोमिट क्ले एनिमेशन मूवी और टीवी सीरीज। जी हाँ, ये सभी क्ले एनिमेशन फिल्म और सीरीज निक पार्क ने ही डायरेक्ट की है और उनका डायरेक्शन हमेशा की तरह लाजवाब होता है। ऐसे में बात करें अर्ली मैन फिल्म के बारे में तो इस फिल्म की स्टोरी भी काफी अच्छी है और ये फिल्म आपको जरा भी बोर नहीं करती। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस फिल्म के छोटे से पार्ट को डिस्कस करें तो इस फिल्म की स्टोरी हमें लगती है लगान फिल्म जैसी। सिर्फ मैंने यहाँ पर छोटा सा पार्ट कहा कि अगर वो लोग इस मैच को हार जाएंगे तो उन्हें बदले में उम्र भर की गुलामी करनी पड़ेगी, और ऐसा ही कुछ लगान फिल्म में भी था। उसी पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ये फिल्म पूरी तरीके से अलग है क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी बैठती है केव मैन के टाइम की और लगान फिल्म 1947 के पहले की है। और उसी के साथ साथ लगान फिल्म में मैच थी और इस फिल्म में फुटबॉल है यानी सॉकर। तो फिल्म का प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जैसा मैंने कहा। तो अब यहाँ पर इस फिल्म की ज्यादा स्टोरी को डिस्कस नहीं करते हैं वरना ये फिल्म आपके लिए हो जाएगी स्पॉइल, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है। तो अब इन सब चीजों को साइड में रखकर आते हैं इस फिल्म की वॉइस कास्ट पर, क्योंकि वॉइस कास्टिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा टॉम हिडलसन का, जिन्होंने इस फिल्म में वॉइस दी है लॉर्ड नॉर्थ की, और उसके बाद नाम आएगा एडी रेडमैने की, जिन्होंने इस फिल्म में वॉइस दी है डग्स की, और उसी के साथ साथ गुआना की वॉइस इस फिल्म में दी है मैसी विलियम ने, और बाकी बचे नोन आर्टिस्ट है टिमोटी स्पेल, निक पार्क जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, रिचर्ड आयोडी और मार्क विलियम। ये सभी नोन कास्टिंग है, बाकी की जितनी भी कास्टिंग की गई है वो इतनी ज्यादा नोन नहीं है, इसलिए हम उन सभी के बारे में बात नहीं करने वाले। तो अब मुझे लगता है आपको इस फिल्म के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, पर अब आते हैं मेरी रेटिंग पर। मैं इस फिल्म को दूंगा बी, और आपसे यही कहूंगा कि अगर आप क्ले एनिमेशन फैन है तो आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो नई अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।